खास हमने आपकी तस्वीर देखी है इसके साथ, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे इस तस्वीर के बारे में? यार वो एक ट्रेडिशन सा बन गया है डब्बू के साथ, हर साल जो है हम एंड ऑफ द ईयर फोटो खींचते हैं और डब्बू वो इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, हम सब अच्छे ही लगते हैं, सो इट फील्स नाइस। आई मीन अगर जब नहीं होगा तो लगेगा कि यार ये कुछ खाली खाली सा रह गया। सो लाइक एवरी ईयर आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू। दिस इज़ लाइक आर न्यू ईयर पार्टी ऑफ ऑल फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री, सो इट्स गुड टू बी हियर। मुझे मेरी छोड़ के बाकी सबकी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक दे ऑल वेरी गुड, दे ऑल फोटोजेनिक, दे नो हाउ टू पोज। आई एम नॉट वेरी गुड विद फोटोग्राफ्स, डब्बू एंड मनीषा मेक मी लुक नाइस, सो व्हेन आई सी अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आई थिंक दे ऑल लुकिंग क्वाइट स्टनिंग। आई हैवन्ट सीन देम प्रॉपर्ली, आराम से मैं देखा नहीं है, तो जब कैलेंडर घर में आएगा ध्यान से देखूंगा, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर लुकिंग वेरी गुड। मैंने भी ये खबरें सुनी हैं, यू शुड आस्क द प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्यूबलाइट, वो सही जवाब देंगे तुमको। 10 दिन हो गए नए साल के, कैसे रहे साल और नए साल से आपकी उम्मीदें? यार बहुत हेक्टिक रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम और बुखार है मुझे इस वक्त, बिकॉज मैं आई थिंक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा। मैं इम्तियाज़ अली की फिल्म की कुछ 4-5 दिन की शूटिंग है, रईस का फिनिशिंग काम है एंड देन प्रमोशन शुरू हो गया, तो थोड़ा हेक्टिक रहा है, बट मुझे खुशी है इंशाल्लाह सारा साल ही इतना हेक्टिक और अच्छा रहेगा। मुझे दो चीज़ पूछनी है, आपको यश इस साल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड भी मिलेगा, हम बातचीत नहीं कर पाए थे आपसे, अगर कोई दो शब्द कहना चाहे? यार बहुत बड़ा ऑनर है कि उनके नाम से जो अवार्ड शुरू हुआ। यश जी ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स अ कंट्री हैज सीन, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम एंड बाकी लोगों को जिनको मिला है ये अवार्ड, बहुत बड़े नामचीन और बड़ी हस्ती हैं, मुझे नहीं लगता था कि मुझको इतना जल्दी देंगे, बट आई मीन ये बहुत ग्रेसफुल है उनका, मैं बहुत ग्रेटफुल। एंड जब मुझे फ़ोन आया था कि आपको हम ये देना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा पूछा नेकी और पूछ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड एंड और ऑल्सो विद माई क्लोज एसोसिएशन विद यशराज फिल्म, थोड़ा और भी अप्रॉक्सीमेट और अपनापन लगता है। यार मैं करने वाला था, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा हम कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया वो पतंग अगर उड़ी नहीं, तो आप लोग जब शूट करोगे ना बड़ा अजीब लगेगा, कभी कभी जो है ना करनी वनी जो उसकी गलत हो जाती है। सो आई थिंक वील मीट अप फॉर समथिंग एल्स, और अकेली पतंग उड़ाता रहूँ और कोई साथ में मेरे साथ पेच नहीं लड़ा रहा है तो अजीब लगेगा, बट वील डू समथिंग एल्स मे बी। बट द सॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन गरबा, और क्योंकि गुजराती कैरेक्टर है तो वो एक्चुअली पिक्चर का काफ़ी एसेंशियल पार्ट है, कि हमने वो कलर और मतलब ये मैंने आज तक आई थिंक ऐसा कुछ गुजराती कैरेक्टर इतना इंटेंसली नहीं प्ले किया है, तो वो बड़ा अच्छा एटमोसफेयर, क्योंकि राहुल ढोलकिया वहाँ के हैं और वो गाना भी बड़ा खूबसूरत है, सुखिंदर सिंह जी ने गाया है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कलरफुल, सो जब आएगा आई थिंक कल परसों रिलीज होगा, सो आई होप पीपल लाइक इट, एंड स्पेशली इन गुजरात मकर संक्रांति में अगर वो लोग उसको एंजॉय कर सकें तो बी मोर फन। I'm not yet aware of it here, but अगर ऐसा कुछ होगा तो I'm sure Ritesh and Excel and Red Chillies is looking into it, but मुझको अभी तक ऐसा कुछ खबर नहीं आया। I don't know. Akshar Aathi has tweeted. I'm sorry, I haven't got it personally. अच्छा tweet किया, so maybe I'll find out here if there is something to. I don't think it will be of concern. We'll be able to sort it out. I'm sure. सवाल पूछेगा तो आराम कैसे करूँगा, नहीं पूछेगा तो घर जाऊँगा सोऊंगा। या मुझे मनीषा और डब्बू के बारे में आप कुछ बताना चाहो, उसके बाद में मेरे एक और सवाल है। पहले पूछ ले जो पूछ रहे, तू ऐसे उतावला मत, नहीं 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 पहले तू, पहले आप जब तक सांस ले तो पता है। Now Ms. Deepika Padukone debuts in Hollywood. She's coming down at 6 a.m. in the morning with Vin Diesel. तुझे बड़ा बता रही है यार। हाँ सर वो 8 नंबर गेट है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे like about अरे यार she started off a career with me, so I wish her all the best and it seems like an interesting film. मैंने अभी posters देखे यहाँ पे आते हुए. I wish her all the best, Mr. Vin Diesel all the best and I'm sure action film है तो सबको पसंद आएगी इंडिया में. Dub भी होगी ना actually different languages में,
So yeah, I think it'll be a nice film. I wish her the best. तेरा पूछने का दिल तो है नहीं, ऐसे बोले जा रहा है तू, ऐसा तू 8 नंबर गेट पे जा निकल ले तू भी यहाँ से. नो आई जस्ट वॉन्ट टू से डब्बू जो ये ओकेजन बना दिया इसका, आप लोगों को भी बहुत मौका मिलता है, हम सब लोग मिल सकते हैं एक्चुअली. इट्स लाइक अ फन इवनिंग, हम सबको याद रहता है कि डब्बू कैलेंडर बनाएगा और हम सब यहाँ पे मुलाकात करेंगे. एक सेट सा ट्रेडिशन हो गया है. सो आई थैंक डब्बू नॉट ओनली फॉर बीइंग द फोटोग्राफर और जैसे वो क्रिएटिव है, बट अदरवाइज ऑल्सो जस्ट फैमिली की तरह फ़ोटोज़ लेते हैं. मेरी तो तकरीबन से महीने में 5-6 बार ही मुलाकात होती है, क्योंकि हम एड्स शूट करते हैं, फिल्म शूट करते हैं. सो इट्स ग्रेट डब्बू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. यार अभी क्रिएटिव फाइनलाइज नहीं किया है, बट वॉज फन शूटिंग. जो प्रोमो बनाया था वो सलमान ने कुछ रईस का पठानी सूट वगैरह पहना हुआ है, इट्स आउट नाउ. हाँ सो बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड वहाँ पर भी हम लोग कुछ बैठेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज हम दोनों जब साथ आते हैं तो कोशिश ही रहती है कि लोग एंटरटेन हो. सो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 डेज आई विल गो एंड शूट फॉर इट, सो इट विल बी फन.